जय शनि देव, जय श्री कृष्णा आप सभी का स्वागत कर रही हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे आपका वीकली प्रोडिक्शन यानी कि आपका साप्ताहिक राशिफल ये लागू होगा उनतीस अप्रैल से लेकर के पांच मई तक तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते क्या क्या होने वाला है आपके साथ सो लेट्स गेट स्टार्टेड जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली अनुसार जो चंद्र राशि है उस पर आधारित है आप अपने जन्म कुंडली के पहले पेज पर जो चंद्र राशि जहां पे लिखा है मून साइन जिसे कहते हैं उसके अनुसार इस राशि फल को देखें यदि मालूम नहीं है तो नाम राशि से भी आप इसको देख सकते हैं ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और साथ में हमें जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है जो भी भगवान से आभास आते हैं वो भी मैं इसी राशिफल के माध्यम से आपको बताती हूँ और आप भी लोग कहते हैं कि गुरु मां हमको ये बिल्कुल सटीक बैठता है राशिफल बताने का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने आने वाले समय को प्लान कर सकें, जान सकें, घबराएं बिल्कुल नहीं पता चल सके आपको अगर समय बुरा है तो इतने समय के लिए बुरा है हम इसको कैसे टाल सकते हैं ये जानेंगे और साथ में अगर समय अच्छा है तो कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा हम लाभ उठाएं इसी प्लानिंग के लिए राशिफल देखा जाता है वृश्चिक राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए ग्ञाली करके आएगा हफ्ते में बाप रे आपका गुस्सा इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है कंट्रोल करो वरना आपको बीपी की प्रॉब्लम है और बीपी अगर हाई ऑलरेडी है तो आपको बीपी हाई हो जाएगा बढ़ जाएगा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं वहां थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है कुछ लोगों के बच्चे जो है वो अपने बाल नहीं कटवा रहे हैं वो अपने हेयरस्टाइल को लेकर के आपसे लड़ रहे हैं और आप उनसे लड़ रहे हैं और मतलब काफी लोग तो लिटरली अपने बच्चों के पीछे पीछे घूमते दिखाई दे रहे हैं बार बार उनको टोक रहे हैं और वो बाल नहीं कटवा रहे हैं और कुछ लोग खुद जिनकी वृश्चिक राशि है आप अपने बाल को बढ़ाने का सोच रहे हैं तो कुछ बाल से संबंध में इस समय में ज्यादा दिखाई दे रहा है ये जो हफ्ता है काफी तेजी से गुजरने वाला है आप काफी कुछ इस हफ्ते में अचीव कर सकते हैं अगर गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे नहीं तो गुस्से से आप अपने ही आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है उसको गवा देंगे क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपसे इस समय में संपर्क करने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर आप उनसे गुस्से से बात करेंगे तो आप जो भी मौका आगे फ्यूचर में आपके लिए बनेगा उसको खो देंगे कुछ लोग आपकी जिंदगी से जाते हुए भी इस समय में दिखाई दे रहे हैं आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं खुद ही या तो आप आगे बढ़ रहे हैं मोस्टली तो ऐसे ही दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ पास के लोग जो है वो पीछे छूट रहे हैं इस समय में अगर पूरी दुनिया भी आपके अगेंस्ट में खड़ी हो जाए तो आपको तभी पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और आप में उतनी शक्ति है कि आप उन सभी से लड़ सके अपने बच्चों का ख्याल रख सके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके उनको अच्छे संस्कार दे सकें तो ऐसा आपको आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफी स्ट्रांग हो जाएंगे इस समय में आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करेंगे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे उनके लिए गुस्सा भी कहीं ना कहीं इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनका कुछ बुरा ना हो जाए तो इसीलिए आप टेंशन में इसीलिए आपको ये दिक्कत हो रही है आपको कहीं जाना पड़ सकता है जहां पे हवन वगैरह हो हो रहा रहा है 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 या क्या कोई पूजा पाठ वहां इसी जगह आपको जाना पड़ सकता है, और वहां से भी कुछ नेगेटिविटी आप लेकर के आ सकते हैं यानी कि कुछ लोग आपके बारे में गौसिप कर रहे हैं या कुछ लोग आपका अपमान कर रहे हैं बुला तो लिए हैं लेकिन ठीक से आपसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो वहां से थोड़ी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आती दिखाई दे सिद्ध दरबार में हुआ एक और चमत्कार चलिए जानते हैं इन भक्त पर कैसे भगवान ने कृपा की है मेरा नाम संतोष है मेरी बेटी की बहुत तबियत खराब हो रही थी तो मैं उनको लेके वो आने आ नहीं सकती थी तो मैं खुद आई थी गुरु माँ के पास में उन पहली बार में उनको बहुत आराम आ गया वो खुद भी बोल रही थी कि मम्मी कि मुझे बहुत बहुत आराम आ गया अगली बार से मैं खुद मेरी इच्छा होगी मैं खुद आऊंगी और वैसे करके मैं बहुत बहुत खुश हो रही थी बोले तो मेरे को बस अब नौकरी लग जाए मेरी बस बहुत बहुत धन्यवाद दरबार लगता है हर वीरवार को नहीं फीस वगैरह भी नहीं लगती यहाँ पर कोई धन की अगर बात करें तो इस समय में धन जो है आपका वो खर्च हो सकता है काफी एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं आ, लेकिन आप उसको मैनेज कर लेंगे आप कुछ चीजों में कटौती कर रहे हैं और फिर उस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको फाइनेंशियली इस हफ्ते में नहीं आएगी अगर फैमिली लाइफ में गड़बड़ ज्यादा चल रही है जो की दिख भी रही है काफी लोगों के लिए जैसे फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है अब आपके कोई पास के कोई पर्सन है उनके साथ बहुत दिक्कत चल रही है तो इस समय में आप इतने में गुस्से में है कि आप सारी चीजें खत्म कर सकते हैं मुझे लगता है कि बैठ के बात करना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आ, बिना मन में खटास लाए दोनों ही जगह से अगर सेपरेट भी हो रहे हैं आ, कोई चीज खत्म भी कर रहे हैं तो वो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से खत्म ना हो कि दोबारा कभी बातचीत का अवसर ना मिले तो थोड़ा सा बैठ करके अगर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा अगर किसी भी तरीके का लीगल मैटर में आप जाना चाहते हैं कुछ आप आ, लीगल से कनेक्टेड हैं, कोई आप केस करना चाहते हैं या किसी केस में इन्वॉल्व हैं, तो वहां आपको इस समय में लाभ जो है वो मिल सकता है सिचुएशन अच्छी होती दिखाई दे रही है आपके फेवर में आती दिखाई दे रही है ये जो भी ट्रबल इस हफ्ते में आपके साथ आएगी ये लगभग एक तरीके का समाप्ति है कुछ एंड हो रहा है और कुछ नया स्टार्ट जो है वो नेक्स्ट हफ्ता आपके लिए लेकर के आएगा तो आपके अंदर बहुत शक्ति भी है आप उसको बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है फाइनेंशियली बात करें तो इस समय में आपको किसी बाहर इंटरनेशनल कंपनी से कोई ऑफर आ सकता है या कोई एम से कोई बीपीओ से या कोई ऐसी कंपनी है जो फाइने मतलब बाहर भी इंटरनेशनली डील करती है वहां से कुछ ऑफर आपको रिसीव हो सकता है और आपको एक से ज्यादा जगहों से भी ऑफर आ सकता है काम आ सकता है या कोई क्लाइंट आपका आ सकता है ओवरसीज ज्यादा दिखाई दे रहा है बाहर से ज्यादा दिखाई दे रहा है आ, जहां आपको काफी प्रॉफिट होगा कुछ लोगों की चाबी जो है वो घूम सकती है तो उसका थोड़ा ख्याल रखेंगे बहुत केयरफुली अपनी चाबी आप रखिए आंखों के नीचे काले गड्ढे होते काफी लोगों को दिखाई दे रहे हैं तो वहां थोड़ा सा आ, अपना नींद का पैटर्न को ठीक करिएगा ज्योतिष कमाने की विद्या नहीं है सेवा की विद्या है हमारे गुरुदेव द्वारा हमें जो भी शक्तियां प्राप्त हुई है जो भी कृपा का अनुभव हमने आज तक किया है वही हम आपके साथ बांटते हैं सिद्ध दरबार इसीलिए लगाते हैं हर गुरुवार आप सभी के लिए ताकि आपके जीवन के जो कष्ट है उसके निवारण हेतु प्रभु से प्रार्थना कर सके राशि फल में भी मैं बिल्कुल दिल से आपके लिए प्रार्थना करती हूं। जो भी मेरी सुन रहे हैं जो भी मेरी आवाज जिन तक भी पहुंच रही है भगवान उन पर कृपा करें आपको बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ आपका बुरा समय तल जाए अच्छा समय शीघ्र आपके जीवन में दस्तक दे यही मेरी प्रार्थना है बहुत सारा आशीर्वाद जय शनिदेव जय श्री कृष्ण